हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 15, आओ पेड़ लगाएं। पेड़ लगाना मीन्स कि पौधे लगाना। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इस चैप्टर में सोनू अपने माता पिता के साथ कानपुर में रहता है। वहाँ वह एक स्कूल में पढ़ता है। गर्मी की छुट्टियों में वह अपने दादाजी के पास गया था। उसके दादाजी एक गाँव में रहते हैं। तो सोनू कहाँ पर रहता है? अपने माता पिता के साथ कानपुर में रहता है, और वहाँ पे वो किसी स्कूल में भी पढ़ता है। और जब गर्मी की छुट्टियाँ हुई उसके स्कूल में, तो अपने दादाजी के पास चला गया। और दादाजी उसके कहाँ पे रहते थे? गांव में रहते थे। गांव जाकर सोनू को बहुत अच्छा लगा। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ और नरम नरम हरी घास थी। सब ओर हरियाली फैली थी, कहीं धूल या धुआं नहीं था। ये देखकर सोनू का मन प्रसन्न हो गया। तो देखो बच्चे, गांव में है वो अपने दादाजी के पास, तो सारे जो देखो चारों ओर क्या है, हरियाली है, पेड़ पौधे, और कहीं पे भी धुआं या फिर धूल मिट्टी नहीं है ना। तो ये देखकर उसका मन था वो जो बहुत प्रसन्न हो गया। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी यहाँ इतने पेड़ क्यों हैं? पेड़ लगाने से हमें क्या लाभ है? अभी उसने जब इतना कुछ देखा है ना, अच्छा अच्छा के पेड़ है, तो उसने अपने दादाजी से पूछ लिया कि हमने इतने पेड़ क्यों लगाए हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा है। दादाजी ने सोनू को बताया, बेटा पेड़ों के इतने लाभ है कि हम इन्हें गिन नहीं सकते। फिर भी मैं कुछ लाभ तुम्हें बताता हूँ। अभी दादाजी उसके क्या उसको रिस्पोंड कर रहे हैं कि इतने को फ़ायदे हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ जो है उनके जो लाभ है मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट वो क्या कह रहे हैं, पेड़ सबको सुंदर लगते हैं, ये तो तुम जानते ही हो। ये तो हाँ, तो मतलब बच्चा है तो उसको इतना तो पता ही है। अभी आप सभी को भी जो ग्रीनरी है वो अच्छी लगती होगी ना। तो सेम दादू भी उसके क्या बोल रहे कि जो उनके देखने में वो सुंदर लगते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। पेड़ हमें खट्टे मीठे फल देते हैं। पेड़ हमें कैसे फल देते? खट्टे मीठे। अभी देखो हम कितने सारे फ्रूट्स खाते हैं कि सबका टेस्ट सेम होता है। कुछ मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं ना। तो वो सब कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है ना। पेड़ पौधों से हमें सुंदर फूल, सब्जियाँ, लकड़ी, तेल, मसाले और पशुओं के लिए हरा चारा मिलता है। देखो अभी जो मैंने पहले वो कहा कि फ्रूट्स है ना, जैसे कि उसके दादू ने बोला कि खट्टे मीठे फ्रूट्स जो भी मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें फूल मिलते हैं ना। फ्लावर्स सबको कितने अच्छे लगते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? पेड़ों से। सब्जियाँ डेली हम खाते हैं ना, तो वो कहाँ से मिलती हैं? पेड़ों से। लकड़ी काफ़ी जगह पर प्रयोग होता है ना, लकड़ी का। इवन दैट जो माचिस बनती वो भी कहाँ से? लकड़ी से ही बन रही है। तो लकड़ी से काफ़ी चीज़ें बनती हैं, तेल, मसाले, जो ये सब हैं। और पशुओं के लिए जो चारा है वो हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है।